नमस्कार दोस्तों, आप सबका कांता एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। अपने इस वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे युआन यानी चाइना अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए क्या कर रहा है और चाइना के सामने साथ ही डॉलर को टारगेट करने के लिए किस तरीके के चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहता हूँ, चाइनीज़ युआन का साइन जो है ये ऐसा है, वाई के ऊपर क्रॉस। सेम दोस्तों जो जापान की करेंसी है येन, जापान की करेंसी जो है येन, उसका भी साइन सेम टू सेम ऐसा ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या था, एक्चुअली 2016 में जो चाइनीज़ युआन था वो एक हार्ड करेंसी बना दिया गया था, उसको हार्ड करेंसी मान ली गई थी। हार्ड करेंसी क्या होती है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल में एक तरीके से डिमांड होती है। तो 2016 में हार्ड करेंसी बना दिया गया चाइनीज़ युआन को। जो जापान का येन है वो ऑलरेडी एक तरीके से हार्ड करेंसी पहले से ही था। तो 2016 से भी पहले से जापान की करेंसी जो थी वो एक हार्ड करेंसी थी। तो यहाँ पर दोस्तों अब दोनों देशों के बीच में लेकर अपनी करेंसी को साइन को लेकर दोनों देशों के बीच में एक इशू बन गया है। तो ये भी एक इशू था, उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। यहाँ भी चाइना कॉपी करने वाला ही निकला है। खैर आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ ऑयल ट्रेड की बात करेंगे कि कैसे चाइना ऑयल ट्रेड में युआन को प्रमोट करना चाहता है। हमने ऑलरेडी ये जान लिया है कि चाइना की तीन स्ट्रेटजी है, तीन पॉइंट है स्ट्रेटजी के, जिसके थ्रू वो यूएसए से उसका ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम छीनना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों चाइना की जो स्ट्रेटजी थी उसका जो पहला पॉइंट था, हमने उसको पहले वाले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया है। हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे और जो एक तरीके से बीआरआई वाला जो पॉइंट था उसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो अवेलेबल है। आप बीआरआई वर्सेस एएजीसी डालकर सर्च कर सकते हैं, साथ ही आप इससे रिलेटेड दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बीआरआई वर्सेस एएजीसी और कानपा एजुकेशन लिखकर डालना है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, वो आपका दूसरा पॉइंट भी तैयार हो जाएगा। ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है थर्ड पॉइंट के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों चाइना ने अपनी करेंसी को ऑयल ट्रेड में इस्तेमाल करवाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया और वो स्टेप ये है कि चाइना ने ऑयल फ्यूचर मार्केट अपना लॉन्च कर दिया, जिसको नाम दिया गया है शंघाई बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज। इन्होंने अपने एनर्जी एक्सचेंज के आगे पहले ही इंटरनेशनल लगा लिया है, यानी साफ इनकी जो है यहाँ पर विजन ये है कि ग्लोबल लेवल पर अपनी करेंसी को प्रमोट करना। यहाँ पर दोस्तों यहां पर जो ये फ्यूचर एक्सचेंज जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका सेम मतलब वही है कमोडिटी एक्सचेंज वाला, और मैंने आपको उसमें बता रखा है कि डेरिवेटिव्स के टाइप्स होते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और एक तरीके से दूसरे जो वैरायटीज होते हैं उनके बारे में। आप इंडियन कमोडिटीज एक्सचेंज वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारा पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाएगा अगर आपने पहले नहीं देखा तो। तो सबसे पहले चाइना ने ये स्टेप ले लिया है कि अपना क्रड ऑयल फ्यूचर इंडेक्स भी बना लिया है, जिससे एक तरीके से जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो चाइना के फ्यूचर एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उनको पता चलता रहेगा कि उनके इन्वेस्टमेंट में कितनी एक तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। उसके लिए इंडेक्स भी लॉन्च कर दिया है 2019 में, साथ ही साथ 2018 में इसको एक तरीके से दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया था चाइना ने। ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है चाइना के द्वारा अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना दुनिया के सामने ये भी कहता है कि ये जो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में और साथ ही जो डेवलपिंग रीजनल पोर्ट्स और जो पोर्ट्स बना रहा है एक तरीके से, वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए करेगा ताकि वो अपने जो सामान है एक तरीके से उनको प्रोटेक्ट कर सके, यानी जो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो उसका बिजनेस है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ का इस्तेमाल चाइना इस तरीके से करना चाहता है कि ये एक तरीके से इंश्योरेंस की गारंटी लेगा यहाँ पर चाइना ऑयल प्रोड्यूसर एज वेल एज सेलर से, यानी जो ऑयल बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं उनकी, उनको सिक्योरिटी का भरोसा देने के लिए एक तरीके से जो मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है उसको अपना एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है यहाँ पर चाइना, और इसीलिए यहाँ पर दूसरे देशों को कन्वेंस करना चाहता है चाइना अपने इस स्टेप के थ्रू। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है चाइना के द्वारा, जिससे एक तरीके से ऑयल प्रोड्यूसर और जो सेलर्स हैं वो विश्वास कर पाएंगे चाइना पर कि चाइना के साथ अगर हम करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं उसके थ्रू, चाइना की करेंसी को हम मैंडेटरी बना लेते हैं, तो जो हमारे ऑयल की जो एक तरीके से मोबिलिटी होगी टैंक की वो पूरी तरह से
सेफ रहेगा। तो ये भी विश्वास दिलाना चाहता है चाइना अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों देखिए, जहां पर यूएसए सैंक्शन लगाता है जिन जिन कंट्रीज पर, एग्जाम्पल के तौर पर ईरान, वेनेजुएला, रशिया, तुर्की, इन सबको आप देख सकते हैं। इन सब क्या यूएसए के साथ इस समय काफ़ी टेंशन वाला रिलेशन है, एक तरीके से रिलेशन है वो काफ़ी नीचे हद तक गिर चुका है। तो यहाँ पर चाइना क्या करता है, चाइना इनके ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है और इनके साथ ट्रेड करने में, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगा के अपना बैंकिंग चैनल जो है इन सब के लिए बंद कर दिया है, तो यहाँ पर चाइना कह रहा है कि आप हमारी करेंसी का इस्तेमाल कीजिए, हमारी बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा और आप काफ़ी चीज़ें जो हैं हम एक तरीके से हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर चाइना को क्या एक तरीके से एडवांटेज है। चाइना देखिए यहाँ पर क्या करना चाहता है, एग्जांपल के तौर पर आप ये लीजिए कि जो इंडिया है और एक तरीके से रशिया है, रशिया और इंडिया है उनके बीच में ट्रेड होता है तकरीबन मान लीजिए $10 बिलियन का। $10 बिलियन में दोस्तों हम चाइना को सिर्फ 2 बिलियन का ही सामान बेच पाते हैं, $8 बिलियन का सामान एक्चुअली हम रशिया से ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कहें कि रूपी में आप डील कर लीजिए, तो रूपी में डील करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से हम रूपी में $2 बिलियन का ही सामान उसको बेचते हैं, तो जो यहाँ पर $6 बिलियन का जो एक्स्ट्रा एक तरीके से बजट होगा, 2 बिलियन का सामान जो होगा हमारा एक तरीके से हिसाब बराबर हो जाएगा, लेकिन जो $6 बिलियन है वो हम क्या रुपी में पे करेंगे तो रशिया उसके लिए तैयार होगा? नहीं, क्योंकि रशिया उस रुपी का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सेम केस हम देखते हैं कि इंडिया और ईरान के साथ भी है और दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के भी साथ है, लेकिन जो चाइना है, चाइना के पास अपने खुद के इतने एक्सपोर्ट्स हैं कि वो उन देशों को एक तरीके से इंपोर्ट कर सकता है और अपना कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन साइकिल कर सकता है। तो अभी मैंने जो बात बताई कि जो एक तरीके से ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादा है दो कंट्रीज़ के बीच में, और वो एक ऐसी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं जिसकी दुनिया में कोई मांगी ना हो या बिलीव ना हो, तो उस करेंसी को वो लेके क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो केस है चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना खुद एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को खुद से बनाता है और एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज युआन को एक तरीके से पावरफुल बना रहा है और डिमांड बना रहा है। उसके अलावा दोस्तों चाइना की स्ट्रेटजी रही है कि जहां से भी यूएसए निकल रहा है, जिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, वहां पर उसकी जगह को वो फिल करे। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं यूएनएफसीसीसी से, यहां से यूएसए बाहर निकल गया, तो यहां का अभी जो मेजर लीडर बन चुका है एक तरीके से फ्रांस, इंडिया की बात होती है, लेकिन इसमें चाइना जो है वो भी एक तरीके से काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर बन चुका है। तो यहां पर चाइना का भी इन्फ्लुएंस इस चीज में फैल रहा है। उसके अलावा यूएनएचआरसी है, यूएनएचआरसी में से भी यूएसए एक तरीके से निकल चुका है। यूनेस्को है, यूनेस्को से भी यूएसए एक तरीके से निकल चुका है। तो यहाँ इन सारे जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है चाइना। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने युआन को प्रमोट करने के लिए। ऑलरेडी हमने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में देख लिया कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेप्ट ट्रैप में फंसाकर वहाँ पर अपनी करेंसी मनवाने के लिए चाइना तैयारी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो ये पॉइंट है, एक तरीके से सपोज़ कीजिए कि जो चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस है इन सारी कंट्रीज़ का, तो यहाँ पर चाइना क्या कर सकता है, एक तरीके से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपने युआन को मनवाएगा, वो इन कंट्रीज़ को कह देगा कि आप हमसे अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो आप इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में युआन को अप्लाई करा देगा स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में शेयर होने के कारण, और फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट भी करा सकता है इन जैसी कंट्रीज़ के साथ जिस पर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एडवांटेज है यहाँ पर युआन को। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है चाइनीज युआन को एक इंटरनेशनल करेंसी बनने में, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दोस्तों इस मेजर स्लाइड में हम ये जानेंगे कि चाइनीज युआन को चैलेंज क्या है एक इंटरनेशनल करेंसी बनने में। तो चाइना की एक खुद की बड़ी तकलीफ ये है कि चाइना जो है ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करता और टाइमली काम नहीं करता। चाइना जो ऑयल फ्यूचर में इन्वेस्ट कराता है उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं करता रेगुलरली एक तरीके से, और इसका जो मैकेनिज्म है उन रिपोर्ट्स को पब्लिश करने का वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक तरीके से चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है इस चीज़ की कमी काफ़ी
खलती है। और ये एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में कि लोग जो हैं चाइनीज़ करेंसी पर ट्रस्ट ना करें। अगर एक भी इशू ऐसा आ जाता है जहां पर पाया जाता है कि जो चाइना है मैन्युपुलेशन करता है डाटा का, तो वो एक तरीके से इन्वेस्टर्स का जो विश्वास है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि चाइना ने अपना इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज जो है मार्केट वो ओपन कर चुका है, लॉन्च कर चुका है। लेकिन दोस्तों उसकी कमी है, उसकी कमी ये है कि उसमें जो कन्वर्जन है डॉलर यूरो और दूसरी करेंसी में करने की, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। संसार पूरी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सिर्फ 3 इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज हैं 3 देशों के पास। एक है यूरोपियन यूनियन का अपना, यूरोपियन यूनियन का अपना एनर्जी एक्सचेंज है, और एक जो है वो यूएसए का अपना एनर्जी एक्सचेंज है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के पास इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। यहाँ पर दोस्तों यूएसए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और यूरो क्या जो यूरोपियन यूनियन का एनर्जी एक्सचेंज है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि यहाँ पर वो एक तरीके से यूरो जो है, यूरो को किसी कंट्री के पास यूरो है तो वो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकता है, और अगर यूएसए कहता है, यूएसए डॉलर लेता है तो वो उसको यूरो में, यानी एक तरीके से आप दोनों जगह जाकर यूरो या डॉलर जिसमें आप चाहें उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी अभी चाइना ने एक तरीके से अवेलेबल नहीं कराई है, और यहाँ पर चाइना का जो कोलैबोरेशन है वो ना ही यूरोपियन यूनियन के साथ ऐसा फ्यूचर में होने वाला है और यूएसए के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यहां पर बिल्कुल नहीं दिखती, और इसी कारण हम कह सकते हैं कि यहां पर यह जो फैसिलिटी नहीं है करेंसी कन्वर्जन कराने की, यह एक चाइना के लिए डिजास्टर साबित होगा आने वाले टाइम में। यहां पर तो एक तरीके से चाइना की ये मार्केट के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पूरी तरह से यूरोप पे विश्वास उठ जाए और पूरी तरीके से डॉलर पर विश्वास उठ जाए, तब जाकर ही चाइना का मार्केट यहाँ पर चमक सकता है। लेकिन ऐसा होना काफ़ी एक तरीके से रेयर तरह की चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो चाइना है एक तरीके से बहुत बड़ा मार्केट, इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ अपनी करेंसी युआन को पूरे हद तक प्रमोट करने में उतने हद तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता आज के सिनेरियो के हिसाब से। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चाइना है, चाइना का डिस्प्यूट किस तरीके के नेशंस से है। जापान से उसका डिस्प्यूट चल रहा है, साउथ अफ्रीका से डिस्प्यूट चल रहा है, आसियान से भी उसका एक तरीके से टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, साथ ही साथ इंडिया के साथ भी डिस्प्यूट है। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी शामिल हो चुका है इन सब चीज़ों में चाइना का विरोध करने में, और काफ़ी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यूएसए का साथ देती हैं, और खुद यहाँ पर यूएसए। अब यहाँ पर अगर आप जोड़ लेते हैं कि यूएसए प्लस आप जोड़ लेते हैं आसियान प्लस आप जोड़ लेते हैं जापान, इंडिया और वेस्टर्न अलाइज, इस तरीके से आप सारी कंट्रीज़ को जोड़ लेते हैं, इनका जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है तकरीबन पूरे वर्ल्ड का 60-70% हो जा रहा है। अब दोस्तों 60-70% में अगर युआन चलेगा नहीं तो इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनेगा? तो यहाँ पर ये एक तरीके से चाइना की करेंसी के सामने भी क्वेश्चन है। आई होप मैंने इस चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि रिसेंटली चाइना ने क्या किया था। तो यूएनएससी में पता ही है आपको कि मसूद अजहर को बचाने की कितनी कोशिश की। तो यहाँ पर मसूद अजहर को बचाने के चक्कर में चाइना ने अपना हाथ जला लिया है, और यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सारी दुनिया ने देखा है कि चाइना किस तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है यूएनएससी में। तो यहाँ पर जो दूसरे देश है वो भी इस बात को समझते हैं कि चाइना के जो इंटेंशंस हैं वो कितने ख़राब हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं। आई होप आप कुछ दूसरे पॉइंट्स भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर कहीं से एनालिसिस करके बना सकते हैं। तो आप अगर इन पॉइंट्स को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। फ़िलहाल यूपीएससी एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इतने पॉइंट्स सफिशियंट है अगर इस पर इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो। तो दोस्तों अब ये है हमारी इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।